एक पासे तस्वीरां तुसीं वेखियां जिथे अनाज की इस तरह बेकदरी हुई है कि किसी का भी दिल वलुंदर जाए, तो दूजे पासे गुरदासपुर की एक तस्वीर तुहानूं विखांदे जिथे बजुर्ग औरत अपने पोते दे नाल खुले आसमान हेठ एक प्लाट च रहने लई मजबूर है, अन्न दे लई तरस रही है, दर दर दीआं ठोकरां खा रही है, इस कोल ना तां घर है ना रोटी है ते ना कोई सहारा। सरकार वालों जिहे बेआसरियां दे लई योजनावां बणाईआं जांदीआं ने बेशक, पर इन्हां योजनावां दा फायदा कोई होर ही लै जांदा है। बुजुर्ग औरत अपने पोते दे नाल रहिंदी है, किस तरह अपना ते अपने पोते दा पेट भर रही है यही जानदी है, तस्वीरां बयान करदियां ने। हालांकि इन्हां हालातां नूं पिंडे ते हंडाउणा किन्ना मुश्किल है, ये शायद वह शख्स ही वह हिरदा ही संभल सकता है जिसके पिंडे ते ये पीड़ वो हंडा रहे है। तस्वीरां बयान करदियां ने इस बेबसी दा आलम, ये महिला इस प्लाट दे विच रह रही, तो प्लाट की हालत भी तुसीं देख रहे हो, हाँ चूल्हा है जिसते शायद ही दो वक्त की रोटी पकती होएगी। तो तस्वीर बेहद दर्दनाक, तो उस तस्वीर नू विखा रही ने समाज की, जो अज भी इस समाज का हिस्सा है, पर कितना कि असी जाने अनजाने ना तस्वीर अणगौलिया कर जाने। मकान खरीदा है तो काम कार हम लॉकडाउन तो बाद बंद हो गए ने, काम कोई है नहीं, तो मेहनत के हिसाब नहीं होना ही कमजोरी करके इतने बैठे हैं। जे साढ़े को कुछ हों पलाट साढ़े को है ही अं माड़ा चंगा बना लेना, भावें छानी पा लेंगे। आप उधर सोचने समान है इधर ही चलता, समान साढ़ा किन्ना क दो बेंच ही है, कपड़े नहीं चुकता कोई। जे तो मकान कितने बन जाएगा, एक अद्धा कमरा बन जाए तो चलो अपना अंदर वड़ के अपना बलो मार के सौ सकती है, इदा खुले मैदान से इन्हू भी डर है भी शायद तक समान चुक के ला जाए, अं तो इस गलों भी डरते हैं, इस करके इन भी कहा भी समान भी चुके उ जगह दी है भी उत्थे रख ला अपना, जिन्हें दिन नहीं बनता उन्हें जिन तू उ रह। अभी तो कभी वेखे नहीं भाजी आए, अं नहीं वेखे कभी, ना यदि बेटियां आई ना कभी बेटे आए, अं कभी नहीं वेखे। गुरदासपुर तो साढ़े सहयोगी परमवीर ऋषि जुड़ चुके हैं। परमवीर ऋषि, की पूरा मामला है, कदों तो यह महिला इतने रह रही है, इस वेले तक कोई सार लैण दे लई पहुंचा भी है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं तुम दसना चाहना जी, ये महिला पिछले करीब दो साल तो इस घर के रह रही थी और इसके सिर से ना छाते ना खाने को कोई घर कोई दाने या कोई राशन है, तो इनू जी सरकारी सहूलत जो मिलनिया चाहिए थी, जो कि गरीबी रेखा के हेठ जिन्हें भी नागरिक आते हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों वालों अलग अलग सहूलत जो प्रदान की जाए, जिस तरह की नीला कार्ड या फिर होर, तो यह इस महिला किसी तरीके की कोई भी जी सहूलत जी है हजे तक नहीं मिली। कई बार इसका कहना कि जोड़े मैसेज जोड़े ने जो एम सी उ रहने वाला उन्होंने पहुंचाए ने, लेकिन किसी तरीके का कोई भी इन्हों सहूलत जी स्टेट गवर्नमेंट वालों या सेंट्रल गवर्नमेंट वालों नहीं दी गई, तो यह जी सहूलत जीडिया बनाई जाने इन्होंने बनाई जाने, अगर इन्हों इन सहूलत का ज अगर सही तरीके से नाल नहीं इन्हों मिलना तो फिर इन्हों सहूलत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहूलत स्टेट या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई ने वो ग्राउंड लैवल के उत्ते देखा जाए तो बिना पोलीटिकल अप्रोच तो इन गरीब लोगों सहूलत नहीं मिलती, तो यह जरूरतमंद लोगों सहूलत पहुंचा सरकार के नुमाइंदियां की जिम्मेवारी बनती है, उतों के बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है, पर फिलहाल समाज की गल कर लिए तो इन्हों का चूल्हा किवें चलता है परमवीर, की आले दुआले के लोग कुछ मदद करते हैं? जी बिल्कुल, तुम दसना चाहना कि यह महिला और इसका जो छोटा पोतरा जरा गुरद्वारा श्री कंत साहब जो बटाले से है उतों जो लंगर जो खाते हैं और अपना जीवन जरा गुरबत जीने मजबूर हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया परमवीर इस तमाम जानकारी के लिए।